साथ साथ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, यकीन मानिएगा बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों आपने अभी इंट्रो देखा कैसे मैंने वीडियो के अंदर ऑटो कैप्शन सब टाइटल एड किया हुआ है। अगर आप भी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील या फिर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के अंदर ऐसे ही ऑटो कैप्शन सब टाइटल एड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे एक क्लिक में, तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है एडोब एक्सप्रेस। तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इस पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने यह पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रिएटिविटी एंड डिजाइन पे टैप कर देना है। तो इसके अंदर आपको क्विक एक्शन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। वैसे तो यह वेबसाइट, यह सॉफ्टवेयर पेड है, लेकिन इसके अंदर जो 14 डेज का ट्रायल वर्जन मिलता है उसके अंदर आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपके ट्रायल वर्जन की लिमिट है वो पूरी हो जाए उसके बाद में अलग सी जीमेल बना के इसके अंदर लॉग इन हो जाना है। वापस से आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल वर्जन मिल जाएगा, उसके बाद में वापस से इसके अंदर जो फीचर्स है वो यूज कर सकते हो। क्विक एक्शन के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इनको अभी कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम वीडियो ऑटो कैप्शन को ही कवर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सी ऑल क्विक एक्शन पे ओके कर देना है। देन आपके सामने एडोब एक्सप्रेस की ये वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन भी आता है, अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आप इंस्टा रील एडिट करना चाहते हो, इंस्टा स्टोरी एडिट करना चाहते हो, यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहते हो, लोगो बनाना चाहते हो, थंबनेल बनाना चाहते हो, तो वो सारे के सारे काम इसके अंदर आप कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो ऑटो कैप्शन और सबटाइटल पे। उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपके सामने सजेस्ट क्विक एक्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको जितने भी जो फीचर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इस पे आपको व्यू ऑल पे ओके कर देना है। जैसे ही व्यू ऑल पे ओके करोगे तो आपके सामने सारे के सारे क्विक एक्शन फीचर्स है वो आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कैप्शन वीडियो, यहाँ पे यह मिल जाएगा आपको। उसके बाद में इस पे टैप करके इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके वीडियो की जो भी भाषा है, जो भी स्पोकन लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देनी है। इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो है वो अपलोड कर देना है, जो भी रील वीडियो है। और यहाँ पे देख सकते हैं नोट भी लिखा हुआ है कि आपके वीडियो की जो साइज़ है वो 1 GB होनी चाहिए, 1 GB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 1 GB से नीचे रहेगी तो चलेगा, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए, 5 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, या फिर 5 मिनट भी होगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पर ओके करके आपका जो भी वीडियो है जिस पे भी आप ऑटो कैप्शन लगाना चाहते हो, सब टाइटल लगाना चाहते हो, उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों हमारा वीडियो अपलोड हो गया है, इसके अंदर ऑटो कैप्शन भी लग गया है, सब टाइटल भी लग गया है। मतलब कि अब आपको देखना है कि इस टूल ने, इस वेबसाइट ने जो सब टाइटल है वो सही लगाया है या फिर गलत लगाया है, तो वो आपको चेक करना है। आपको डायरेक्टली वीडियो को यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर कस्टमाइज कलर लेना है कि यह जो पर्पल कलर है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, शेप का कलर चेंज करना है, शैडो का कलर चेंज करना है, तो वो सब चेंज करके आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ से आपको डाउनलोड कर देना है। देन जैसे ही मैं डाउनलोड पे ओके करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे अभी दिखाएगा कि डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हैं वीडियो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है और डाउनलोड भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार इस टूल के जरिए, इस वेबसाइट के जरिए, इस एप्लीकेशन के जरिए आप वीडियो के अंदर ऑटो कैप्शन सब टाइटल लगा सकते हैं, जो कि यह 14 डेज के लिए आपको फ्री मिलता है। उसके बाद में आपको अलग जीमेल बना के इसके अंदर वापस से लॉग इन हो जाना है, वापस से आपको 14 दिन का अलग से फ्री ट्रायल मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।